तो आज हम देखेंगे 8 मई 2022 से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न, और इसका क्विज देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है 4.4%। पहले रेपो रेट था 4%, जिसे अब बढ़ाकर 0.4% बढ़ा दिया गया है और 4.4% कर दिया गया है। रेपो रेट वो दर होता है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंकों को कर्ज देती है। अभी वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ाती है, क्योंकि वह फिर बैंकों से ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसे देगी तो फिर बैंक वाले भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जिससे लोग कम लोन लेंगे और महंगाई पर कंट्रोल होगी। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने जीवाला योजना शुरू की है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र ने जीवाला योजना शुरू की है। इसके तहत जो जेल के कैदी हैं उनको 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन लगा दिया गया है कि जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा है सिर्फ उनको ही मिलेगा ये, और ब्याज की दर 7% है। और भी कुछ महत्वपूर्ण योजना चल रहा है, जैसे मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। ऐसे अभियान, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, निमोनिया को रोकने के लिए आप हमें ये बताइए कि कर्नाटक में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है जो बच्चों में निमोनिया को रोकने के लिए शुरू किया गया है? चिरंजीवी योजना राजस्थान में चलाया जा रहा है, मातृत्व उद्यमिता योजना हरियाणा में चलाया जा रहा है, अम्मा और वहीनी योजना सिक्किम में चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 5 मई, 6 मई, 7 मई और 8 मई। तो इसका सही उत्तर है 5 मई को मनाया गया है ये। इस बार की थीम थी यूनिटी फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड्स, यानी कि हाथों की सफाई के प्रति जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। मई में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 1 मई को हमने मनाया उज्ज्वला दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाया और लाफ्टर डे भी मनाया, 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया गया, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में ही आई है, जिसमें भारत का रैंक 150 है, जो कि 142 से फिसल कर नीचे आ गया है। 4 मई को बनाया गया है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करेगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा स्थापित करेगी। तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं, राजधानी भुवनेश्वर है इसकी, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि प्रथम स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, पहली चेस अकेडमी, फायर पार्क, ये सभी उड़ीसा से संबंधित हैं। 2023 का वर्ल्ड हॉकी कप भी उड़ीसा में होगा। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में ही बनाया जा रहा है, जो कि बिरसा मुंडा के नाम पर है। नुआखाई महोत्सव, रजा पर्व महोत्सव, बाली यात्रा महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये सभी उड़ीसा के ही महोत्सव हैं। नेशनल पार्क सिमलीपाल और भितरकनिका आपको उड़ीसा में मिलेंगे। 7ों दिन 24 घंटे नल से स्वच्छ जल देने वाला पूरी शहर बना है, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 को जीता है? सर डेविड एटनबरो, अंबर ब्रेकन, सेसिल नदजेवेट, प्रोफेसर विल्फ्रेड बूटस्टार्ट। तो इसका सही उत्तर है सेसिल नदजेवेट। बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन का अवार्ड सेसिल नदजेवेट को मिला है, और ये जो अवार्ड है वो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि इन्हीं ऑप्शनों से संबंधित है, जैसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अंबर ब्रेकन को दिया गया है, स्टॉक होम वाटर प्राइस प्रोफेसर विल्फ्रेड बूटस्टार्ट को दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्राइज हैं, जिन्हें आप बिल्कुल याद रखिए। अगला प्रश्न है, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर, रशीद किदवई, विनोद राय, आलोक चक्रवाल। चक्रवाल होना चाहिए, चक्रवाल लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है रशीद किदवई। लीडर पॉलिटिशियन और सिटीजन्स नामक पुस्तक 50 हस्तियों की कहानी है। इसमें उन 50 हस्तियों की कहानी है जिन्होंने भारत की राजनीति को प्रभावित किया है, और इसकी प्रस्तावना जो है वो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। और भी बाकी सारे ऑप्शन इनको हम देख लेते हैं, ऐसे नॉट जस्ट राइट वॉचमैन, इसके लेखक हैं विनोद राय, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक आलोक चक्रवाल इनके लेखक हैं। 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी,
मैक्सिको के गुंडलजारा शहर को चुना गया है। अगला प्रश्न है, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव तथा एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? करीन जॉन पियर, केतन जी ब्राउन जैक्सन, माया एंजले और निवारण समिति। ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया, चलिए कोई नहीं, मैं सुधार देता हूँ। तो इसका सही उत्तर है करीन जॉन पियर। और एलजीबीटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये एलजीबीटी का फुल फॉर्म होता है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज केतन जी ब्राउन जैक्सन बनी है, जो कि ऑप्शन बी है, लेकिन सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो है, ऑप्शन सी में इसमें ही। अमेरिका के पहले परमाणु पनडुब्बी का नेतृत्व करने वाली महिला, परमाणु पनडुब्बी होनी चाहिए यहाँ पर, परमाणु एमी बार्न्स स्मिट बनी है, जो कि ऑप्शन डी में होना चाहिए था, नाम गलत लिखा गया है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, सभी को पता है, कमला हैरिस है, जो कि 49वें नंबर की है। तो एलजीबीटी समुदाय की है करीन जॉन पियर, और ये व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का पद संभाल लिया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, रेलवे पुलिस फोर्स ने अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन सतर्क। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है। अवैध तंबाकू के उत्पादों को रोकने के लिए यह 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया गया है। बाकी ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो अवैध टिकटिंग के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन आहट मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। और ऑपरेशन अमानत रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन अमानत चलाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया है? 4 अप्रैल, 5 मई, 6 मई और 7 मई। मई से रिलेटेड है ये दिवस, तो आपको सारे दिवस याद होने चाहिए। इसका सही उत्तर है 6 मई। मई में होने वाले जो प्रमुख दिवस है वो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं फूड से संबंधित कुछ बताऊंगा आपको डे, जैसे वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 ये दिया गया शकुंतला हरि के सिंह को। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, 75वां कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है? कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में होता है। इसके 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और चीन। इसमें सम्मानित देश बनाया गया है हमारे भारत को। इसका 75वां संस्करण है ये, और ये फ्रांस में होता है। और भी इंपॉर्टेंट कुछ फेस्टिवल है, जैसे कि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है, तो लेह लद्दाख में हुआ है। ऑस्कर अभी हुआ था, हमारा 94वां संस्करण था ऑस्कर 2022 का। इसमें सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, जैसे कि बेस्ट फिल्म किसे मिला था, कोडा को। बेस्ट एक्टर मिला था विल स्मिथ किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर जॉन कैंपियन, ये भी किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, द पावर ऑफ द डॉग भी हो सकता है। आप बताइए कि बेस्ट डायरेक्टर जॉन कैंपियन को किस फिल्म के लिए मिला है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन है, और ये सारे अवार्ड ऑस्कर 2022 में दिए गए हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर, और आपके लिए प्रश्न मैं ये छोड़े जा रहा हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, और हमारे पहले रेल मंत्री कौन थे, और रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीईओ कौन है। तो आज का क्विज अगर आप खेलना चाहते हो इससे संबंधित, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्विज इसी वीडियो से कराए जाएंगे। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।